राजा ते पेखारी, पेखारी ते राज करावे। उहदी मर्जी है, ताहीं उहनूं बेपरवाह आखदे आ। एक वड्डे बादशाह नूं भुखारी बना दिंदा है, जदों दी रहमत हो जाए, कोई भाजे चंगा लग जाए, भुखारी नूं तख्त ते वी बिठा दिंदा है, उहदे कोल ताकत वी है। भुखारियां नूं राज दिवाउण वाला वी उह है, ते राजिआं नूं जे नदर उपट्ठी हो जाए ते भुखारी वी बना दिंदा है। राजा ते पेखारी, पेखारी ते राज करावे। गल उहदी नदर दी, उहदी किरपा दी है। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घा कराईंदा, जिहदी नदर उपट्ठी हो जाए फिर आखदे जिहड़ा राजकुमार इहनूं घा भी खाणा पै सकदा है। घा जिहदे महल दरबार विच 36 प्रकार दे भोजन ने खाण वास्ते, पर जे उहदी नदर उपट्ठी हो जाए, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना, सुल्तान तो भाव है बादशाह राजा, सुल्ताना घा कराएं दा, घा खा के गुजारा करना पैंदा है। गल उहदी नदर दी, उहदी किरपा दी, अगे किरपा कीती है। साचा साहिब साच नहाए, भाख्या भाउ अपार, आखै मंगै देह देह दात करे दातार। अकाल पुरख वाहिगुरु सदा थिर रहण वाला है, सदा होंद वाला है। उसका जिहड़ा इंसाफ है ना, न्याय, वह भी आखदे ने अटल है। साचा साहिब साच नाए, नाए तो भाव है उहदा न्याय, वह जिहड़ा फैसला करदा है। दुनियावी तौर पर कोई फैसला है ना, उहदे विच हेरा फेरी हो सकती है, हुंदी भी है। वड्डे वड्डे जज विक जांदे ने, फैसले बदल दिते जांदे ने, पैसे वाले ताकत वाले लोग फैसले बदलवा लेंदे ने, जिन्ना चंगा रसूख है। पर गुरु साहिब आखदे ने, याद रख उस परमात्मा की कचहरी विच, उहदे दरबार विच भाई ना रिश्वत चलती है, ना कोई सिफारिश चलती है, आप सच्चा है। उहदा न्याय, उहदा फैसला भी अटल है। साचा साहिब साच नहाए, भाख्या भाउ अपार। भाख्य तो भावे की बोली, उस परिपूर्ण परमात्मा की जिहड़ी बोली है वह प्रेम वाली है, अते अकाल पुरख बेअंत है। वह आप मिठ बोलड़ा है, ते मिठे बोल बोल के उस परिपूर्ण परमात्मा नूं पाया जा सकता है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जी, वह कदे ना बोले कौरा। वह मिठ बोलड़ा है, ते मिठे बोल बोल के उहदी सिफ सलाह करके परिपूर्ण परमात्मा नूं पाया जा सकता है। अगे गुरु साहिब आखदे ने, साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाउ अपार, आखै मंगै देह देह दात करे दातार। हुण गुरु साहिब जीव उस पासों दाता मंगदे ने, दाते कोलों दाता मंगदे ने। सारे जीवां दी गल कीती है, ते परमात्मा नूं जीव ये अरदासां करके कहिंदे ने, परमात्मा हे अकाल पुरख वाहिगुरु साडी झोली विच दात पा। आखै मंगै, भी परमात्मा कोलों मंगदे ने अरदासां करके भी सानूं दातां दे, ते फिर आखदे ने परमात्मा भी अरदास सुणदा है। आखै मंगै देह देह दात करे दातार, ओ दातार जो सारियां दातां दा मालिक, जिहदे कोल इह सारियां दातां ने, ओ फिर जदों जीव मंगदे ने ना अरदासां करके, ओ फिर त्रुट के दयाल हो के जीवां दी अरदासां सुन के झोलियां भर दिंदा है, क्योंकि ओ मालिक है, उहदी अपनी मर्जी है। पहले ही अर्ज कीती है, बेपरवाह है, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ,
पर गल है परमात्मा की सिफ सलाह भी करनी पैनी है। सदा सिफ सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे भी तेरे घर वे ता सब कुछ है। अगे गुरु साहब ने समझौना किया है सानू, साचा साहिब साच नाए भाख्या भाउ अपार, आखै मंगै देह देह दात करे दातार, फेर कै अगै रखिए जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार। हुण इह गल समझण वाली है, असी कई वारी कह दिंदे आ ना वी मैं इन्नी भेटा देंगा ए कुछ मैं देंगा ए गुरु नूं अर्पण करांगा। गुरु साहिब आखदे ने इक गल याद रख, जो तेरे कोल है ना वो सब मालक दा ही दित्ता होया।